नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल SHM में पार्ट टू है ये वीडियो का, ठीक है ना? तो उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी ये रोटेशनल SHM थोड़ा लंबा चलेगा और देखते हैं कितना इसमें जाएगा। एक और वीडियो में भी चला जाएगा इसमें, ठीक है ना? इसमें थोड़ा पेशेंस लेकर के बैठना, थोड़ा मज़ा आएगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं इसमें और यही है, देखते हैं, है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं रोटेशनल SHM पार्ट टू, है ना? सबसे पहला एक टॉपिक लिखना है, टॉर्सनल पेंडुलम। टॉर्सनल पेंडुलम मान लेते हैं, ध्यान से समझना है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। एक वायर है या फिर एक रॉड है ऐसे रखा हुआ, और इसमें एक मैंने एक डिस्क रखा हुआ है ऐसे, ठीक है? जस्ट लाइक दैट, एक सर्कुलर डिस्क यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है? नॉर्मल कंडीशन में ये हैंग है किया हुआ, यहाँ पर से रिजिडली ये यहाँ पर से बंधा हुआ है, ठीक है? तभी क्या कर रहे हैं इसको, है ना, ऐसे पकड़ के घुमा देते हैं इसको थोड़ा सा। हमने पहले ही बताया ये सारा जो SHM वगैरह होना है ये सब का सब बहुत बहुत छोटे एंगल पर होगा, क्योंकि मुझे ये देखना है, क्योंकि अगर हम रोटेशनल SHM के बारे में बात कर रहे हैं तो एंगल बहुत छोटा होगा और जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा बहुत छोटा होगा, जिससे कि हम लोग देख कैरी आउट करवा पाएंगे। लीनियर यानी कि स्ट्रेट SHM होना चाहिए, है ना? स्ट्रेट लाइन में हार्मोनिक मोशन होनी चाहिए। तो हम इसको छोटा सा एंगल इसको ट्विस्ट करेंगे ऐसे, है ना? मान लेते ये शुरुआत में यहाँ पर था, ठीक है? यहाँ पर इस कंडीशन मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है ना? यहाँ पर से थोड़ी देर बाद मैंने इसे घुमा दिया तो ये थोड़ा आगे चला गया होगा लाइन, इज इट ओके? तो इस दोनों के बीच में कुछ इसने एंगल बनाया होगा। अरे वो समझ नहीं समझ आया, सपोज कर लेते हैं ऐसे करके मैंने इसको रिजिडली फिक्स करके रखा हुआ है। अब मैं इसको करके छोड़ दिया, छोड़ा, टक 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 करना स्टार्ट करेगा। थोड़ा सा एंगल मैंने इसको दिया है ना ऐसे करके, ऐसे ऐसे, अरे सर थोड़ा सा ये जो रिजिड सपोर्ट था, सपोज कर, हाँ या जस्ट लाइक दैट, है ना? ये हाँ ऐसे, है ना? इसको मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे करके छोड़ दिया, टक 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 करना स्टार्ट करेगा। ये भी रिजिड है, ये भी रिजिड है, बट थोड़ा सा बेंडिंग करवा दिए, इस कारण से इसमें एक टॉर्क जेनरेट होगा। और हम लोग जानते हैं कि टॉर्क जो होता है, यहाँ पर जो इसमें टॉर्क जेनरेट होगा वो जितना ज़्यादा मैं एंगल इसमें ट्विस्ट दूंगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट जो दूंगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं यहाँ पर कहूँगा टॉर्क जो जनरेट होगा उसको कहूँगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है। यानी कि अगर मैंने थीटा नहीं दिया है तो इसमें नहीं टॉर्क जनरेट होगा, क्लियर है? कोई टॉर्क इसमें जनरेट नहीं होगा और इसको कहते हैं टॉर्सन। क्या बोलते हैं टॉर्क को यहाँ पर? टॉर्सन, ठीक है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल, इज इट ओके? इसको हटाने के लिए मुझे कॉन्स्टेंट देना पड़ेगा, मैं उस कॉन्स्टेंट को कहता हूं के, और ये हो गया थीटा। तो के क्या हो गया? टॉर्सनल कॉन्स्टेंट, इज इट ओके? ये हो गया टॉर्सनल कॉन्स्टेंट। और ये टॉर्क किसके बराबर होना चाहिए? आई इंटू अल्फा के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ थीटा। तो अल्फा बराबर हो जाएगा के अपॉन आई इंटू थीटा। ओमेगा स्क्वायर के जगह पे ये दिख रहा होगा, है ना? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन आई, और टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई रूट ओवर आई अपॉन के। ये हो गया हमारा टॉर्सनल कांस्टेंट का, सॉरी टॉर्सन का टाइम पीरियड, है ना? चलो ठीक है, ये कॉपी कर लो इसके आगे। कमाल कमाल सब चीज़ पढ़ो, चलो चलो कॉपी करो। बात करते हैं यहाँ पर एनर्जी मेथड का, टू फाइंड टाइम पीरियड
ऐसे अच्छे होंगे, ठीक है। तो ध्यान समझना है, कोई बहुत बड़ा बवंडर नहीं, और ये बेकार है, ये कोई अच्छा थ्योरी है भी नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है, लेकिन फिर भी है अपने स्तर पे, बुक वगैरह में रहता है, जान लेना चाहिए, ठीक है। ये मास एम है और ये के कांस्टेंट है इसका स्प्रिंग का, और हम लोग जानते हैं इसका टाइम पीरियड रूट ओवर एम बाय के होता है, जो कि पिछले क्लास में हम बता दिए थे, ये पिछले वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ वो वीडियो देख लो पहले, तब जाकर के इस वीडियो को देखना, नहीं भी देखो तो बवंडर नहीं आ जाएगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना, देख लेना भाई पीछे। चलो ठीक है, ये इस मास को मैंने क्या किया, थोड़ा सा एक्स से इधर खींच दिया, तो क्या होगा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, और मैं इसको रिलीज करूंगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, तो मैं सीधा सीधी कहूंगा इसके पास गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर, या फिर ऐसे लिखते हैं यहां पर, नेट जितना भी एनर्जी है वो सब कांस्टेंट होता है, ये हमको पता है, नेट एनर्जी जो होता है ई टोटल जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जितना इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ ऑफ एम वी का स्क्वायर, और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी जब मैंने खींच दिया है हाफ ऑफ के एक्स का स्क्वायर, वो मेरा हो गया कांस्टेंट। ये क्लियर हुआ कि नहीं, मैंने इसको एक्स डिस्टेंस से अगर मैं यहाँ से खींच दूँ तो उसके बाद रिलीज करूँगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर, और जब मैंने इसको खींचा हुआ है तो नेट पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है हाफ के एक्स का स्क्वायर, इज इट ओके। और इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, दोनों साइड क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है, बस यहाँ पर एक ही यही काम करना है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ये डिफ्रेंशिएट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको कांस्टेंट यहाँ पर दिख रहा है, उसका डिफ्रेंशिएट करने से जीरो मिल जाएगा, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड कितना हो जाएगा हाफ, और एम बाहर आ जाएगा, इससे क्या हो जाएगा टू वी इंटू डी वी बाई डी टी, ओके, प्लस में हाफ ऑफ के बाहर आ गया, और यहाँ से आ जाएगा एक्स का स्क्वायर का 2x into dx by dt is equal to constant का 0, is it okay? Half common आकर के ख़त्म हो गया यहाँ से, तो क्या हो गया यहाँ से 2 भी ख़त्म हो गया, है ना, अच्छा ये तो यहीं से ख़त्म हो गया, जो का इधर उधर करने से क्या जरूरत था, एम भी डी वी बाई डी टी इज योर एक्सेलरेशन, प्लस में यहाँ हो गया के एक्स और डी एक्स बाई डी टी इज योर वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, अगेन भी मेरा कॉमन आगे खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एम ए इज इक्वल टू माइनस में के एक्स, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस में के एक्स बाई एम, ओमेगा स्क्वायर दिख गया, आ रहे हो समझो ना, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम, और टाइम पीरियड की जगह पर लिख सकते हैं टू पाई रूट ओवर एम बाई के, और के बारे में हम लोग जानते हैं के इक्विवेलेंट होता है वो तीन चार गो पर काट फिट थे, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, कॉपी करो, और ये बहुत आसान है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन दिमाग में ये रखना है कि बकवास है, तो ठीक है कॉपी करते हैं, ठीक है। अब से क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर 1, है ना, बस एक ही सवाल है अब, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रॉड या जो भी होगा आगे जाकर के, अभी तो रॉड ही है, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है, है ना, मान लेते हैं ये रेडियस आर है, ये इसका एल है, ये थीटा है, एंगल बराबर क्या होता है एल अपॉन आर, सबको पता है ना, आर्क लेंथ बाय रेडियस, है ना। चलो ठीक है, अब सवाल देखते हैं, थोड़ा सीट बेल्ट बांध के बैठना क्योंकि अभी से उड़ने वाले हो, नहीं उड़ने वाले हो, आसान होगी चीज़ें, है ना। चलो ठीक है, पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और अच्छा एक और चीज़, एक तो एंगल वाला समझ में आ गया, टॉर्क क्या होता है, एक तो जानते हैं हम लोग आई इंटू अल्फा होता है, सेकेंड क्या होता है फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर, है ना, मतलब कि अगर कोई सिस्टम ये बॉडी रोटेट कर रहा है ना, ये एक रॉड है, ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, इस पर जो भी फोर्स लग रहा है ना, तो ये फोर्स है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये है ना एफ इंटू एल हो जाएगा, बट टॉर्क क्या हो जाएगा एफ इंटू एल, इज दैट ओके।
ये दो चीज आएगा, तभी यहां पर हम कहेंगे टॉर्क लग रहा है यानी घूम रहा है। और हमें ये भी पता है एंगल हमारा छोटा होना चाहिए, साइन थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा को वन लिख सकते हैं। और कितना चीज पता होना चाहिए, पता नहीं। ध्यान से देखना, यहां पर एक रॉड है यहां पर, ठीक है, कनेक्टेड है, और ये इस पॉइंट से यहाँ पर हिंज्ड है, यहाँ पर से हिंज कर दिया गया इसको, और इसका स्टिफनेस के दिया हुआ है, इसका स्टिफनेस के दिया हुआ है। अब क्या किया गया, किसी का खुरापाथी है ऐसे चुजा से बना हुआ था, ये न्यूट नॉर्मल कंडीशन में, तभी किसी ने क्या किया, इसको ऐसे पकड़ करके, समझ रहा था, थोड़ा सा इसको एंगल शिफ्ट कर दिया, इज दैट ओके। तो मैं अगर यहाँ पर फिर से इस रॉड को बनाऊँ, है ना, तो ये इस पोजीशन से थोड़ा सा ऐसे आ गया होगा, इज इट ओके। मैं इसे रॉड नहीं बना करके एक लाइन ही बनाता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन थोड़ा कम हो, है ना। ये वाला पॉइंट इधर आ गया होगा और ये वाला पॉइंट इधर आ गया होगा, और ये लगभग लगभग स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि हमारा एंगल बहुत बहुत छोटा है, पहले हम बता चुके हैं ये बात, अगर नहीं होगा तो एसएचएम होगा ही नहीं, है ना। और मैंने इसको थोड़ा सा इधर कर दिया, ठीक है, तो ये जो स्प्रिंग है, ये वाला स्प्रिंग, इस पर क्या करेगा, ये तो कंप्रेस हो चुका होगा, तो पीछे की तरफ, इधर की तरफ के एक्स एक फोर्स लगा देगा, और इवन ये भी स्प्रिंग इधर की तरफ कंप्रेस हो चुका है, तो ये वाला ऐसे करके एक के एक्स लगा देगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, फिर से देखते हैं, जस्ट सेकेंड, है ना। अगर मैं इसको ऐसे करके रोटेट करूं तो ये वाला इधर की तरफ कंप्रेस हो जाएगा, ये वाला इधर से खींचा जाएगा, तो ये इस ये जब कंप्रेस होगा तो ये इधर की तरफ पुश करेगा, है ना, इस तरह की तरफ ऐसे, ये ऐसे करके फोर्स लगा देगा इस पॉइंट से, ऐसे लग रहा है, और ये लेंथ हो गया हमारा एल बाई टू, इज इट ओके, ये लेंथ हो गया हमारा एल बाई टू। तो हम कहेंगे ये जो एक्स, ये ना डिस्टेंस हो गया एक्स से खिंचाया है, ये एक्स का वैल्यू कितना होगा, हमें पता है एंगल बराबर आर्क लेंथ बाय टोटल लेंथ, ये ना हो गया रेडियस एल अपॉन टू, एक्स बराबर क्या हो गया एल थेटा बाय टू, एकदम आसानी से समझ में आना चाहिए ये बात, ठीक है। तो अब बस मैं कुछ नहीं लिखूंगा, हम बस इतना कहेंगे कि जो टॉर्क नेट होता है वो बस एक ही चीज़ होता है, आई अल्फा भी हो गए है, है ना। अब देखो यहाँ पर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल हो गया, एल बाई टू सॉरी, तो के एक्स इंटू एल बाई टू, सर नहीं आया। या फिर अगर आपको ये चाहिए कि भाई ये लेंथ है ना, ये के एक्स लग रहा है, थोड़ा यही लेंथ चाहिए, तो ये जो लेंथ है एल बाई टू है, अगर ये भी लेंथ तो एल बाई टू ही होगा ना, तो एल बाई टू का कॉस थीटा लेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू वन होता है, चाहो तो लिख लो एल बाई टू का कॉस थीटा ही, क्योंकि मुझे तो इतना सा ही लेंथ तो लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्स अगर ये खिंचाया है तो ऐसे फोर्स लग रहा है, तो लेंथ तो इतना सा ही ना आएगा, ये तो पूरा का पूरा लेंथ था, तो इतना सा लेंथ कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा लेंथ एल बाई टू का कॉस थीटा, तो एल बाई टू का कॉस थीटा, इधर से भी ये लेंथ लेना पड़ेगा के एक्स इंटू एल बाई टू का कॉस थीटा प्लस के एक्स इंटू एल बाई टू का कॉस थीटा, और ये क्या करवा देगा आई इंटू अल्फा टॉर्क जनरेट करवा देगा इसमें। एक और बात देख सकते हैं कि टॉर्क कैसा है, ये इसको ऐसे घुमा रहा है, ये इसको ऐसे घुमा रहा है, इसलिए दोनों को मैंने ऐड कर लिया है, अगर वहीं पर अपोजिट होता तो जीरो हो जाता वगैरह वगैरह। ये दो चीज़ आ गया क्या, तो टू टाइम्स ऑफ के एक्स इंटू एल बाई टू कॉस थीटा इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ दिस रॉड अबाउट दिस एक्सिस, एम एल स्क्वायर बाय 12 होता है क्या रॉड का, अरे बस समझ में ना, एम एल स्क्वायर बाय 12 इंटू अल्फा, टू से टू कट गया, कॉस थीटा का वैल्यू वन होता है, के एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे एल बाई टू इंटू थीटा, बस यहाँ पर एक स्टेप यही चीज़ है जो कि लिखना होता है, ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं है, एल बाई टू इंटू थीटा इंटू एल, ये तो हो गया वन इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 12 इंटू अल्फा, सिक्स कैंसिल आउट हो गया, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो यहाँ से आ गया हमारे पास सिक्स के बाय एम इंटू थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो
ये हो गया हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हो गया 6 KYM, और टाइम पीरियड इज इक्वल टू रूट ओवर 2π रूट ओवर m बाय 6K। ये 2π है, सॉरी 2π रूट ओवर m बाय 6K। एकदम आसान है, फिर से समझते हैं क्या हुआ। ये नेट टॉर्क जो लगा वो मेरा I इंटू अल्फा के बराबर होगा, ये तो बचपन से हम लोग जानते आए हैं। बस मैंने नेट टॉर्क लिखा, I इंटू अल्फा लिखा, सॉल्व किया, मुझे अपने आप दिखा अल्फा ओमेगा स्क्वायर और थीटा के, है ना। एक जो रोटेशनल एक्सिस में क्या लिखते हैं, अल्फा जो होगा निगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। मैंने उससे कंपेरिजन कर लिया, मैंने यहाँ पर माइनस वाइनस नहीं लिखा है क्योंकि हम जानते हैं ये रेस्टोरिंग टॉर्क है, इसीलिए मैं माइनस नहीं लिख रहा हूँ। अब चाहो तो माइनस लिख लो, हर जगह माइनस ही माइनस लिखेगा, रेस्टोरिंग टॉर्क नहीं लिखोगे तो। बात तो मुझे सिर्फ डेटा से मतलब है, ओमेगा स्क्वायर यहाँ भी दिखा, ओमेगा स्क्वायर यहाँ भी दिखा। ओके चलो कॉपी करो, अब अच्छे अच्छे सवाल के ऊपर बात करते हैं, अभी तो स्टार्ट हुआ है। ये सेकेंड नंबर सवाल में पिछली बार था यहाँ पर स्प्रिंग, अब मैंने इसको इरेज करके यहाँ पर स्प्रिंग कर दिया, बीच में ही स्प्रिंग कर दिया है, ठीक है, एल बाई टू डिस्टेंस पर ही। अब मुझे जानना है कि ये यहाँ से अबाउट ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर सकता है, तो मुझे ये जानना है इसका टाइम पीरियड अगेन कितना है। फिर से एक पिक्चर बनाते हैं, है ना। तो ये जब ऐसे था, इसको जब मैंने इसको ऐसे थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, ऐसे हो जाएगा ना ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा एंगल। अब एक बात देखना है कि यहाँ पर से एक के एक्स ऐसे लगेगा, है ना, क्योंकि तो ऐसे इसको पुश करेगा कि ऐसे करके एक फोर्स लगा देगा के एक्स, इज इट ओके, जो इसका ये डिस्टेंस होगा मान लेते हैं x1, है ना। यहाँ पर से जो खिंचाएगा तो ये क्योंकि ऐसे खिंचाएगा तो ये इलोंगेट हो जाएगा, तो ये स्प्रिंग इसको बैक साइड में खींचेगा बीच में, है ना, तो ये बीच में ही एक फोर्स लगा देगा, कितना हो जाएगा kx2, क्योंकि इसका लेंथ अलग होगा और इसका लेंथ अलग होगा, इसलिए मैं x2 लिख रहा हूँ। लेकिन एक कमाल का बात ये होगा, एंगल दोनों में सेम आएगा। पहला बात ये है कि ये पूरा का पूरा लेंथ हो जाएगा l, और ये लेंथ हो जाएगा हमारा l/2, इज इट ओके। तो हम लिख सकते हैं पहली बात कि x1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 बराबर, क्योंकि ये हमारा x1 हो गया और ये हो गया हमारा x2, क्योंकि x2 से खिंचाया था, ये भी x2 से प्रेस हुआ था। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, l इंटू थीटा, क्योंकि पूरा का पूरा मुझे l और थीटा लिखना पड़ेगा, l इंटू थीटा। और x2 बराबर क्या लिखना पड़ेगा, l/2 इंटू थीटा, बाकी मुझे कुछ नहीं करना। टॉर्क नेट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट ऑफ दिस रॉड अबाउट दिस पॉइंट इज ml²/3, इज इट ओके। ml²/3 इंटू अल्फा इज गेटिंग एस kx इंटू एल, अब वो cos थीटा वगैरह पता ही है, 1 हो जाएगा, जुट का उसका लेने से कोई फायदा है नहीं, सीधा सीधा ml ही लिख रहे हैं। तो kx1 इंटू एल प्लस में सेकेंड का हो जाएगा kx2 इंटू, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ना हो जाएगा, फोर्स यहाँ से लग रहा है और इस रोटेशन यहाँ से हो रहा है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा ना हमारा l/2, तो यहाँ से हो गया हमारे पास ml²/3 इंटू अल्फा इज गेटिंग एस के x1 की जगह क्या लिखेंगे, l थीटा इंटू एल प्लस में के l/2 इंटू थीटा इंटू l/2। यहाँ से आ गया हमारे पास l का स्क्वायर कट चुका है, तो यहाँ से 3 अल्फा m/3, यहाँ से आ गया हमारे पास थीटा कॉमन दिख रहा है ना यहाँ पर से, 2 × 2 = 4 = 15 5k/4 थीटा, इज इट ओके। तो यहाँ से आ गया हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू 5 × 3 = 15 k/4 इंटू थीटा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√ m भी नीचे आ जाएगा 4m/15 टाइम्स ऑफ के, दैट्स योर आंसर, ठीक है। चलो ठीक है, ये 15 है, ये इतना समझ में आता होगा, ये हो गया हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, है ना, ये समझ रहे ना, ये 3 ऊपर चला गया 3π/15 और m नीचे आ गया 4m, तो ये हो गया हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के जगह पे, टाइम पीरियड का वैल्यू इतना हो गया, है ना। चलो ठीक है, कॉपी करो तेजी से और अच्छे अच्छे सवाल देखते रहते हैं, पटापट पटापट।
अभी जो सवाल दिख रहा है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक रॉड है जो कि मासलेस है, यानी कि मैं इसे थ्रेड भी समझ सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी रॉड दिख रहा है यहाँ पर, एक छोटा सा मास एम दिख रहा है, बट बीच में ही किसी ने एक स्प्रिंग लगा दिया है। अब उसके बाद इसने थोड़ा सा ऐसे करके छोड़ दिया, टक 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 करना स्टार्ट करेगा, समझ आ रहा बात, तो बस टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहा है। स्प्रिंग जो कनेक्टेड है यहाँ से एच डिस्टेंस पर है, अब पूरा का पूरा लेंथ हमारा एल है, ठीक है, तो एकदम आसानी से समझना है, बहुत बड़ा इशू नहीं है इसमें। मैं इसका पिक्चर फिर से बना रहा हूँ इसी फ्रेम के अबाउट, थोड़ा मैं इसको यहाँ पर ऐसे करके खींच दिया, इज दैट ओके। अभी जो फोर्स लग रहा होगा नीचे में, तो एम जी लग रहा होगा नीचे में, इज दैट ओके। और यहाँ पर बीच में ही के एक्स एक फोर्स लग जाएगा, और ये पूरा का पूरा अगर मेरे पास एल है तो ये लेंथ अगर मैं मान लूँ कि ये थीटा आ गया और ये कुछ एक्स से खिंचाया है ना, ये तो हमारा एच है, यहाँ से आता का लेंथ, तो के एक्स इंटू एच कारण ऐसे टॉर्क लगेगा, और एक एम जी जो फोर्स लग रहा है उसके कारण से इतना जो डिस्टेंस खिंचाया है ना, ये लेंथ के बारे में बात कर सकते हैं, ये हमारा एल हो गया क्या, पूरा लेंथ, तो एल का कॉस थीटा ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा एल का साइन थीटा यहाँ से यहाँ तक, एक्स डिस्टेंस ये हो गया और ये हो गया हमारा एल साइन थीटा, एकदम आसान है ये बात, और एम जी इंटू एल साइन थीटा इधर से लगेगा, और वगैरह वगैरह समझ में आ गया, कुछ तो है ही नहीं इसमें। टॉर्क नेट बराबर आई इंटू अल्फा, तो सबसे पहले देखते हैं के एक्स का टॉर्क कितना लगेगा, के एक्स इंटू है ना, क्योंकि ये तो घूमेगा इसी के अबाउट, तो के एक्स इंटू है ना, एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो के एक्स इंटू एच यहाँ से, के एक्स इंटू एच प्लस में एम जी इंटू है ना, इस एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया एम जी इंटू एल साइन थीटा, मस्ट बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा, कोई दिक्कत है, एंगल छोटा है, एक्स का वैल्यू कितना होगा, एक्स का वैल्यू एच और थीटा है ना, के एक्स की जगह पे एच इंटू थीटा इंटू एच है ना, अरे बाबा ये आर्क लेंथ बराबर एंगल बराबर आर्क लेंथ बाय रेडियस, तो आर्क बराबर क्या है आर इंटू थीटा नहीं हो जाएगा, ये रेडियस हो गया हमारा यहाँ से तक एच और ये थीटा है ना, और ये हो गया हमारा एम जी इंटू एल साइन थीटा के जगह पे थीटा, क्योंकि एंगल छोटा है, और आई के जगह पे क्या लिखेंगे इस मास का, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर है ना, एम इंटू ये डिस्टेंस आर अगर होता तो हमें आर स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पर एम एल स्क्वायर इंटू अल्फा हो गया, एल स्क्वायर से कोई नहीं कटा, सिट रहे तो आदत हो गया कटाने का, खैर कॉमन निकाल लेते हैं थेटा, कुछ तो बचा ही नहीं, के एच का स्क्वायर प्लस में एम जी एल बाय एम एल स्क्वायर बाय एम एल स्क्वायर का होल थीटा इज इक्वल टू अल्फा, और यहाँ से हमारा एल सी एल कट गया, ओमेगा स्क्वायर दिख ही रहा है, एम सी एम भी कट गया है ना, तो टाइम पीरियड बराबर हो जाएगा टू पाए रूट ओवर दिस बाय दिस, तो क्या हो जाएगा वन बाय के एच का स्क्वायर बाय एम एल स्क्वायर और प्लस में जी बाय एल, इज इट ओके। और अगर हम इसको एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो ये थोड़ा ऊपर भी चला जाएगा यहाँ से, तो टू पाए रूट ओवर एम एल स्क्वायर ऊपर चल जाएगा बाय नीचे में आ जाएगा यहाँ पर से के एच का स्क्वायर आप प्लस में एम जी, दैट्स योर आंसर, ठीक है, कॉपी करो, बहुत ही सवाल था, अभी और भी अच्छे अच्छे सवाल हैं, कॉपी करते जाओ धड़ाधड़। इस सवाल को समझ में आ ही रहा होगा क्या करना है, बस थोड़ा सा इधर से इधर खींच देना है इसको, ये हो जाएगा थेटा, ये अगर कंप्रेस होगा तो यहाँ से ऐसे लगेगा के है ना, ये एक्स से ही खिंचाया के एक्स, ये भी खींचेगा एक और के एक्स लगेगा, और ये रॉड अगर इधर की तरफ आ जाएगा क्योंकि उस रॉड के पास मास है, तो बीच सेंटर में से मैं इसको यहाँ से इरेज कर ही देता हूँ, ठीक है, नीचे ही बनाते ज़्यादा बेटर रहेगा जैसे पहले बना रहे थे है ना, ये रॉड हो गया, इसके बीच सेंटर में से है ना, यहाँ से इसको इधर की तरफ पुश किया जा रहा होगा, के एक्स से पहले वाला ऐसे धकेल रहा होगा, ये भी खींच रहा होगा ऐसे है ना, ऐसे ही खींच रहा होगा दूसरा भी के एक्स से ही,
यहाँ से एक एम जी फोर्स लगेगा जो कि जस्ट मिड पॉइंट होगा ये, ठीक है। क्योंकि इस बार रॉड है, रॉड के पास मास है, तो इसका जस्ट सेंटर यानी कि इस बीच वाले पॉइंट से एक फोर्स लग रहा होगा एम जी। ध्यान सुनना यहाँ पर, इस बार रॉड के पास मास है जो कि इस तरह से, तो एम जी उसके सेंटर से लग रहा होगा, तो ये लेंथ हो जाएगा हमारा एल बाय टू लेंथ, और ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा एल बाय टू का कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एल बाय टू का साइन थीटा। इज दैट ओके? ये लेंथ यहाँ से तक, ये तो हमारा एक्स है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एल थीटा, एक्स आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा। तो ये हो गया हमारे पास। तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, सीधा लिखेंगे नेट टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा। नेट टॉर्क कितना हो गया, टू के एक्स इंटू एल प्लस एम जी इंटू एल बाय टू साइन थीटा, एम जी इंटू एल बाय टू साइन थीटा इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ दिस रॉड अबाउट दिस एक्सिस एम एल स्क्वायर बाय थ्री इंटू अल्फा। तो क्या लिखेंगे, टू के एक्स के जगह पे एल थीटा इंटू एल प्लस में एम जी एल बाय टू इंटू थीटा इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय थ्री इंटू अल्फा। यहाँ से हमारे पास थीटा कॉमन आ रहा है, तो क्या दिखा, यहाँ से टू के एल का स्क्वायर प्लस में एम जी एल बाय टू है ना, बाय ये थ्री ऊपर चला जाएगा, अब बाय एम एल स्क्वायर से नीचे हम डिवाइड कर सकते हैं, ये आ गया हमारे पास अल्फा। थ्री अंदर चला जाएगा यहाँ से, थ्री टू जा सिक्स के बाय एम प्लस में एम से एम कट गया, एल का स्क्वायर से एल का स्क्वायर कट जिल आउट हो गया, तो यहाँ से हो गया थ्री जी बाय टू एल इज इक्वल टू अल्फा। इज इट ओके? तो यहाँ से हम टाइम पीरियड का वैल्यू निकाल सकते हैं, टू पाए रूट ओवर वन बाय होल दीज थिंग्स है ना, तो सिक्स के बाय एम प्लस में थ्री जी बाय टू एल आंसर। दैट्स अ वेरी इजी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत इजी इजी सवाल है सारे में, मैं एक ही काम कर रहा हूँ, रिस्टोरिंग टॉर्क ले रहा हूँ, बाकी तो देख ही रहे हो अभी और भी है, एकदम पूरा हाथ एकदम दिमाग को सब चला रहा है, टॉर्क का खूब अच्छा यूज हो रहा है यहाँ पर, देखते जाओ। यहाँ पर है कि एक डिस्क है ना, सिंपल सा एक डिस्क है, इस डिस्क के ऊपर में स्प्रिंग लगा हुआ है, और ये इस डिस्क को देखो, ये बस ये समझ लेना है डिस्क है, इसको किसी ने ऐसे किया और छोड़ दिया, टक 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 करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये पॉइंट जो कांटेक्ट में है ये हमारा, इसके अबाउट ये प्योर रोलिंग कर रहा है, कैसा कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है, और प्योर रोलिंग के कंडीशन में पॉइंट जो कॉन्टेक्ट में रहता है वो हर समय रेस्ट में रहता है, और पूरा डिस्क इसी के अबाउट ये रोटेट करेगा। पहली बात समझना, इसी के अबाउट ये डिस्क हमारा रोटेट करेगा, प्योर रोलिंग के कॉन्टेक्ट कंडीशन में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है ना, उसकी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट कॉन्टेक्ट जीरो होती है, और कंप्लीट डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट। इज इट ओके? तो बस बाकी कुछ रखा थोड़ी ना है, अब देख लो क्या हो रहा होगा, ऐसे खींचेंगे तो ये टॉर्क लगाया होगा, टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा होता है, खत्म हो गया क्या मामला, टॉर्क नेट बराबर क्या होता है, आई इंटू अल्फा। टॉर्क कितना लग रहा होगा, के एक्स, अरे बस मैं ना के इंटू एक्स लग रहा होगा, इसका वैल्यू कितना लग रहा होगा, आई इंटू अल्फा के, एक्स का वैल्यू कितना लेंगे, अगर ये मैं इसको यहाँ से कुछ एंगल थीटा से खींच दिया तो एक्स हो गया हमारा, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, टू आर इंटू थीटा, टू आर इंटू थीटा मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट दिस एक्सिस। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट दिस एक्सिस इज एम आर स्क्वायर बाय टू, अब प्लस में एम आर स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ डिस्क इज व्हाट, आई सेंटर ऑफ मास प्लस में
एम डी का होल स्क्वायर, आई सेंटर ऑफ मास हो जाएगा हमारा एम आर स्क्वायर का आधा और प्लस में एम आर स्क्वायर, तो थ्री एम आर स्क्वायर है ना बाय टू, तो थ्री एम आर स्क्वायर बाय टू इंटू अल्फा। तो ख़त्म हो गया मामला, टू के आर इंटू टू यानी कि फोर के आर बाय थ्री एम आर का स्क्वायर इंटू थीटा इज इक्वल टू अल्फा, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, टाइम पीरियड के जगह पे मुझे साफ दिख रहा है टू पाई रूट ओवर थ्री एम आर बाय फोर के, इज दैट ओके? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? के एक्स सॉरी एक्स एक्स इंटू ये परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस आर इंटू आर है ना, टू आर लिखना मैंने भूल गया, आप भी भूल जा रहे हैं, तो कैसे होगा सर? टू आर होगा यहाँ पर, एक और टू आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आर से आर कट जाएगा, तो फोर टू जा एट के हो जाएगा, थ्री एम बाई एट के, दैट्स योर आंसर, इज दैट ओके? या ठीक है, ओके मैच कर लिया, ठीक है कॉपी करो जल्दी जल्दी, अभी और भी हैं। क्या ये वाला बन जाएगा? समझ में आ गया? बताना क्या करना है, के आ रही बात समझ में ना, मतलब ये अगर थोड़ा सा भी ऐसे टिल्ट करेगा है ना, ये पूरा का पूरा थोड़ा सा एक्स से टिल्ट करेगा, ये तो रेडियस आर हो जाएगा ना, ये यहाँ से ही है ना, ऐसे ही ना जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा आर इंटू थीटा। बाकी इसको जैसे हम इधर से खींचेंगे तो ये के एक्स ऐसे करके फोर्स लगेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर हो जाएगा, तो फोर्स के टॉर्क कैसे लिखेंगे? के एक्स इंटू परपेंडिकुलर आर, मोमेंट ऑफ इनर्सिया एम थ्री एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा है ना, अभी तो बताए इसका थ्री एम आर स्क्वायर बाई टू होता है, तो के एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, आर थीटा इंटू आर इज इक्वल टू थ्री एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, टू के बाई थ्री एम इंटू थीटा इज इक्वल टू अल्फा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई रूट ओवर थ्री एम बाई टू के, दैट्स योर आंसर, ठीक है? चलो ठीक है, जल्दी जल्दी कॉपी करते जाओ, अभी इसी में एक सवाल के ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं, किसी ने यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा दिया अगेन के कांस्टेंट का, तब फिर कैसे करेंगे? तो अगेन एक छोटा सा काम कर लेते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, वाह बहुत अच्छा काम किया सर है ना, इसको हटा दे रहे हैं, तो समझ में आ गया होगा कि जब मैं इसको ऐसे पुश करूँगा इस पॉइंट के अबाउट है ना, तो यहाँ से इसको ऐसे पुश करेंगे तो ऐसे खींचेगा, ऐसे करके एक के एक्स वन से खींचेगा, ये ऐसे पुश होगा तो स्प्रिंग ऐसे इधर की तरफ के एक्स टू से पुश करेगा, और ये हो जाएगा हमारा एक्स टू और ये हो जाएगा हमारा एक्स वन, तो बाकी समझ में आ गया एक्स वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर थीटा, और एक्स टू का वैल्यू टू आर इंटू थीटा है ना, तो एक्स टू का वैल्यू ये पूरा लेंथ लेना पड़ेगा टू आर, बाकी तो मैं यही लिखूंगा, के एक्स वन इंटू आर है ना, के एक्स वन इंटू आर पहला कंडीशन आ जाएगा, प्लस में दूसरे का हो जाएगा के एक्स टू इंटू टू आर इज इक्वल टू थ्री एम आर स्क्वायर बाय टू इंटू अल्फा, इज इट ओके? बाकी एक्स वन और एक्स टू को पुट करना है और टाइम पीरियड निकाल लेना है, समझ में आ गया? क्लियर है? बना लेना भाई, इसका तो कुछ मतलब तो है नहीं, बन जाएगा, ठीक है, बाकी कुछ रखा होगा है नहीं। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग टॉर्क के ऊपर टॉर्क जो रोटेशनल सिस्टम है उसके तीसरे पार्ट में और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पे बात करेंगे, होप करते हैं अब आप लोगों से कुछ कुछ लेवल के सवाल बनते होंगे, बनाओ घर में, ठीक है, जो कि लास्ट वीडियो होगा एस एच एम का रोटेशनल वाला, उसके बाद हम लोग दो वीडियो में समाप्त कर देंगे इसको।
ठीक है। और पैरल में आएगी अब कल से फ्लूड की भी वीडियो, ठीक है। तो चलो मैं जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर दे रहा हूँ, कल मिलते हैं नेक्स्ट डे, बाय बाय।